रामनगरी अयोध्या में पूर्व सांसद रामविलास वेदांती पीएम मोदी की नीतियों को धार देने में जुट गए। इस उद्देश्य के लिए वेदांती के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राघवेश दास वेदांती और सह संस्थापक राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर लोक चेतना नमो संस्थान का गठन कर उसके कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसकी शाखाएं पूरे देश में होंगी। संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास वेदांती ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित की। इस मौके पर संस्था के सह संस्थापक ने कहा कि जिस तरह से सन 2018 में मिशन मोदी अगेन कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक उसी तरह से एक बार फिर मिशन मोदी अगेन बड़े जोर शोर से चलाया जाएगा। इसके साथ ही स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जन जन को जागरूक किया जाएगा। आज लोक चेतना नमो संस्थान का उद्घाटन हुआ है। हिंदू नववर्ष के पावन मंगल पर्व पर इस संस्था का उद्घाटन हुआ है, जिसके संस्थापक पूज्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती महाराज जी के नेतृत्व में कार्य को पूरे भारतवर्ष में बढ़ाया जाना है, जिसके माध्यम से जितने भी कार्य हैं संस्था के उद्देश्य के माध्यम से और संस्था के उद्देश्य के कार्यों को पूरा करने के साथ साथ, जैसे इसके पहले 2018 में पीएम मोदी अगेन मिशन का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाया गया था, उसी तरीके से फिर से पीएम मोदी अगेन मिशन का पूरा कार्यक्रम चलाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति रक्षा स्वदेशी फोरम इस संस्थान के अंतर्गत कार्य करेगा। कार्यक्रम में महंत सत्येंद्र दास, माधवाचार्य महंत लक्ष्मी नारायण मंदिर, प्रेम नारायण दास महंत सुदामा मंदिर समेत काफी लोग मौजूद रहे।